आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शहर में जब कोई घटना होती है तो जिम्मेदार तत्काल जांच का फरमान जारी कर अपनी सक्रियता दर्शाने में जुट जाते हैं, लेकिन जब खामी प्रशासन की ही हो तो जिम्मेदार उस जांच को दबाने में जुट जाते हैं। 11 मार्च को शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया, जिसमें 30 से अधिक मेडिकल स्टूडेंट्स शिकार हुए। घटना पर प्रारंभ से ही दबाने के प्रयास मेडिकल प्रशासन करता रहा, लेकिन मामला नहीं दबा। ताबड़तोड़ मेडिकल कॉलेज में ही उपचार शुरू हुआ। एक स्टूडेंट को तो आईसीयू में भर्ती कराया गया था। मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन स्वयं दोषी ठहराए पाए जाने पर 20 दिन में भी जांच सामने नहीं आई। सूत्रों का कहना तो यहां तक है कि जांच शुरू ही नहीं हुई तो सामने आएगी कैसे। कुल मिलाकर इस जांच में दबाकर रफा दफा करने के मेडिकल कॉलेज प्रशासन फिराक में है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में नियमों के विपरीत मनमर्जी से ही मैस का संचालन किया जा रहा है। मैस संचालक को हटाना भरी जांच नहीं है। नियमों के तहत ऐसे मामलों में पहले एमएलसी, खाद्य विभाग की जांच, पुलिस प्रकरण जैसी रस्में निभाई जाती हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में तो सब मनमर्जी से होता है, तो ऐसी रस्में कहां निभाई जाएंगी। यानी समय बिताकर सब कुछ सामान्य कर मामले को ठंडा कर मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदार प्रशासन अपने आप को पाक साफ बताकर पर्दा डाल देंगे, क्योंकि नियमों के विपरीत चल रही मैस में कौन कौन भागीदारी की भूमिका में था, इसकी जांच कौन करेगा। इस मामले में मंगलवार को विद्यार्थी परिषद ने जिला प्रभारी मंत्री को मेडिकल कॉलेज डीन के खिलाफ ज्ञापन सौंप कर शिकायत की। प्रधानमंत्री आवास योजना के 6,500 हितग्राहियों को अपना मकान देकर गृह प्रवेश करवाया गया। प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया की मौजूदगी में हितग्राहियों का अपने घर में गृह प्रवेश दिलवाया गया। प्रभारी मंत्री भदौरिया रतलाम की ग्राम पंचायत जामथुम और नंदलई में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनके साथ विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे, चेतन काश्यप, दिलीप मकवाना भी थे। ग्राम नंदलई में मंत्री भदौरिया का जल मिशन के तहत कलश यात्रा निकालकर स्वागत किया गया। मंत्री भदौरिया ने कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रभारी मंत्री ने फीता काट कर प्रधानमंत्री आवास का शुभारंभ किया। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 48,565 आवास बनकर तैयार हैं, जबकि लक्ष्य 27 मार्च 2022 तक कुल 52,479 आवास तैयार करने का था। पति को गर्म पानी के तपेले में डालकर तड़पा तड़पा कर मारने वाले तीनों आरोपियों को इसी तरह तड़पा तड़पा कर मारने के लिए फांसी की सजा देने की मांग पत्नी लक्ष्मीबाई निनामा ने की। दरअसल 23 फरवरी को बाजना के ग्राम ब्याटोक के रहवासी कैलाश निनामा को तीन लोगों ने विवाद होने पर पकड़कर गर्म पानी के तपेले में डाल दिया था, जिसे गंभीर घायल होने पर जिला अस्पताल से इंदौर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस गंभीर मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो गुस्साए ग्रामीणों के साथ पत्नी और मृतक का भाई कलेक्टर और पुलिस कप्तान के पास गुहार लगाने पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। मृतक कैलाश निनामा की पत्नी लक्ष्मी बाई का कहना है कि आप लोग क्या ज्ञापन लेके आए थे, क्या मांगे आपकी? फांसी की सजा। किसको? दिनेश को और पंकज को और कैलाश को। क्या हुआ था, क्या मामला है? उबल का पानी उन्होंने मेरे पति को डाला। तो अभी तक कोई वहाँ पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई है? इस मामले में भाई ने बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालचंद। कहाँ से आए और क्या मांगे आपकी? ब्याटोक से आया है सर। हमारा एक छोटा भाई था, उसको तपेले में डाल दिया गर्म पानी में, तो तीन दिन के अंदर वो शांत हो गया, इसलिए हम एमपी साहब कलेक्टर साहब से ज्ञापन देने आए। तो क्या मांग करते हैं अभी तक वहाँ कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई है? अभी तो कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आए हम। क्या मांग करते हैं आप वहाँ पर? उसको फांसी की सजा होना चाहिए सर। हमारे आदमी को ऐसे तड़प तड़प के मरा, ऐसे वो मरना चाहिए, ये मांग है हमारी।
वलियों के वली हजरत दादा गुलाब शाह वली रहमत अलैह में तारीखी उर्स मुबारक का आयोजन 31 मार्च को रखा गया है, जिसमें जश्न गोशिया कमेटी द्वारा 31 मार्च को सुबह 11 बजे चादर पेश की जाएगी, 31 मार्च को दोपहर 12 बजे लंगर भंडारा और 31 मार्च को रात 9 बजे महफिल शमा कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मशहूर कव्वाल जनाब चांद कादरी दिल्ली अपना कलाम पेश करेंगे। ये वही मशहूर कव्वाल है जिन्होंने नई दिल्ली में राज्यसभा की सदस्यता से निवृत्त तथा निवृत्त हो रहे सदस्यों के विदाई के पलों पर अपना कलाम मेरी जान जाए वतन के लिए पेश कर माननीय प्रधानमंत्री रतलाम की जनता से अपील है, इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर भंडारे और कव्वाली के कार्यक्रम को सफल बनाएं। स्थान हजरत दादा गुलाब शाह वली रहमत अलैह करमदी रोड रतलाम। रामगढ़ स्थित एक 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत सवालों के घेरे में है। पुलिस जांच रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता लगाने की बात कह रही है। खबर के मुताबिक युवक हरीश पिता गोपाल परमार अपने घर पर मृत अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया था। शंका है कि युवक ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया था। युवक की संदिग्ध मौत पर पुलिस का कहना है, गोपाल परमार 32 साल निवासी रामगढ़ का, इनको सुबह 9:30 बजे परिजन लेकर आए थे सीएच में, डॉक्टर द्वारा उन्हें घोषित कर दिया गया है, सीएम कराया जा रहा है। इस जानकारी सर कुछ सुसाइड नोट वगैरह मिला है? अभी इस घटना से जाकर देखते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो राजस्थित तो अभी सूचना नहीं है, और इतनी जानकारी कर ली थी भजन संध्या में गए तो वहाँ पर नाच गाना किया, उसके बाद घर जाकर सो गए। सुबह जब नहीं उठे इसकी माँ ने परिजनों ने उठाया तो नहीं उठे, उसके बाद जैसे उठा है प्रथम दृष्टा तो ऐसा लगता कोई जहरी या कीटनाशक दवा का सेवन ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन पीएम करा रहे हैं, डॉक्टर साहब से मिश्रा अपने करने का निवेदन किया है। इस मामले में भाई ने बताया, रात को नाइट में सोया था, सुबह उठाया जब उठा नहीं, और क्या हुआ मतलब? बस उसके बाद हॉस्पिटल लाए, थोड़ी देर जांच वगैरह हुई, इन्हें बोल दिया मृत घोषित कर दिया। क्या करते थे ये? सब्जी मंडी में काम करते। क्या नाम थे? कुछ डाउट है क्या? हरीश परमा। आपको कुछ डाउट है क्या? नहीं नहीं ऐसा कोई डाउट नहीं है, ये तो पीएम के बाद ही मालूम पड़ेगा इसके किसी कारण से हुआ है। आपका नाम? मुकेश स्वामी। श्रम संगठनों के संयुक्त 2 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन कर्मचारी संगठनों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। आयकर कर्मचारी महासंघ ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, शाम को चेतावनी के साथ हड़ताल समाप्त की। महासंघ के अतिरिक्त सचिव उज्जैन प्रभार LR मीणा ने बताया, जो 2 दिवसीय हड़ताल 28 और 29 मार्च को रखी गई है, उसका आज ये दूसरा दिन है, जिसमें आयकर विभाग पूरे 100% आयकर कर्मचारी महासंघ इसमें शामिल है, और हमारे ऑल ओवर इंडिया में सभी सदस्य इस हड़ताल में का समर्थन कर रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो मुख्य रूप से मांगे हैं वो NPS जो है उसको बंद किया जाना चाहिए, और OPS है उसको बहाल किया जाना चाहिए। उसी प्रकार जो DA एरिया सरकार ने पिछले 6.5 साल का जो रोका है उसको रिलीज किया जाए, और हमारे सभी कर्मचारी साथियों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार बहुत सारे हमारे
इसमें डिमांड्स है। मैं ये कहूँगा कि निजीकरण का जो दौर चल रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए और निजीकरण के जरिए जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियाँ उनको जो बेचा जा रहा है सरकार के द्वारा उनको बंद किया जाना चाहिए। हमारे बहुत सारे विभागों में प्राइवेटाइजेशन को लागू किया जा रहा है उनको बंद किया जाना चाहिए। कल की हड़ताल 100% सफल रही है हमारे विभाग में और आज की भी हड़ताल हम उसी जोश खरोश के साथ शामिल हैं और यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम हड़ताल को तीव्र करेंगे, हमारे आंदोलन को तीव्र करेंगे। इधर पावर हाउस रोड स्थित प्रेस क्लब भवन पर श्रम संगठनों की संयुक्त समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नारेबाजी कर सरकार को समय सीमा में मांगे पूरी करने की चेतावनी दी। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।